हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरीन, जिसमें जो अरीन्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, पर जो बेंजीन है वो एक स्टेबल कंपाउंड है और कॉमन एडिशन रिएक्शंस नहीं जाता जैसे एल्कीन जाती थी। जैसे कि जो बेंजीन है वो डीकलराइज नहीं होता अगर हम उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड पा देते हैं, अगर वो ऑल्सो डीकलराइज नहीं होता अगर हम क्या डालते हैं KMnO4 डालते हैं। तो मतलब अगर बेंजीन इन दोनों के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता, पर ये दोनों रिएक्शन जो एल्कीन है वो दोनों रिएक्शन देती है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन किसके कारण, रेजोनेंस के कारण है। जो रेजोनेंस है वो कौन सी रिएक्शन शो करता है, सब्स्टिट्यूशन एडिशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहले हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें वन और मोर हाइड्रोजन एटम जो बेंजीन है वो किसके साथ रिप्लेस होती है, अदर एटम और ग्रुप। जैसे हमारे पास सबसे पहले रिएक्शन है हैलोजिनेशन, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द रिंग ऑफ एरीन बाय हैलोजन्स। मतलब जो इसकी ये जो छह हाइड्रोजन है, अगर हम इसकी एक भी हाइड्रोजन को किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, हैलोजन के क्लोरीन के साथ रिप्लेस कर देते हैं या कोई भी हैलोजन के साथ रिप्लेस कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और एट द टेम्परेचर 310-320 केल्विन टेम्परेचर, तो हमें क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। वैसे अगर ब्रोमीन करेगा तो ब्रोमोबेंजीन। जो एल्युमिनियम क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड है या फेरिक ब्रोमाइड है, वो लुईस एसिड का काम करते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन कैरियर भी बोलते हैं, ठीक है। पर जो आयोडीन के साथ रिएक्शन है वो क्या, रिवर्सिबल है, क्योंकि जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है वो दोबारा किसको इसमें कन्वर्ट कर देता है, बेंजीन रिंग में द्वारा कर देता है। इसलिए अगर हम इसकी रिएक्शन करनी है तो किसके प्रेजेंस में करते हैं, आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में करते हैं या नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में करते हैं या फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये इसको दोबारा वापस होने नहीं देता, ठीक है। पर जो फ्लोरिनेशन है इज वेरी फास्ट है और डिफिकल्ट टू कंट्रोल, इसलिए हम फ्लोरिनेशन की रिएक्शन नहीं करते। उसी तरह हमारे पास है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, अगर हम बेंजीन रिंग की एक हाइड्रोजन को किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, सल्फोनिक ग्रुप के साथ क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, SO3H सल्फोनिक ग्रुप के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो इसे हमें क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन। इट इज हीटिंग कैरिड आउट बाय हीटिंग विद फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसे क्या करना है, हीट करना है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कौन सा कंपाउंड होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। उसी तरह अगर हम नाइट्रेशन करते हैं, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ द रिंग, अगर हम इसकी नाइट्रोजन को रिप्लेस करते हैं, इसकी हाइड्रोजन को नाइट्रो ग्रुप के साथ रिप्लेस करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। और इसकी हम रिएक्शन को कैरीड आउट करते हैं बेंजीन रिंग की नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में अबाउट 330 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमारे पास क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन। हाँ जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास बनता है, हमने जो अल्काइलेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है, ये नेमिंग रिएक्शन है, इसमें कि हमारे पास जो बेंजीन है उसको हम रिएक्शन रिएक्ट करते हैं मिथाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, और हमें क्या बनता है, टोइलीन, मतलब मिथाइल बेंजीन बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं टोइलीन, और इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, जिसमें हम बेंजीन इनको किसके साथ रिएक्ट करते हैं, असाइल ग्रुप के साथ क्या करना है, रिप्लेस करना है। मतलब ये हमारे पास जो है ये वाला ग्रुप है जो CH3CO, इसे हम क्या बोलते हैं, असाइल ग्रुप, इसके साथ रिप्लेस करना है इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो हमारे पास जैसे जैसे बनता है एसिटोफिनोन, क्योंकि हमारे पास ये कीटोन है, और हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या फिर फथैलिक अनहाइड्राइड, ये इसकी एच और ये एच, ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे, एच और HCl, यहाँ पे अगर ये और CH3COOH मिलके क्या बना देंगे, एसिटिक एसिड। तो इस रिएक्शन का क्या नाम है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है। तो ये छह तरह की हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब हम इस रिएक्शन का क्या करेंगे, मैकेनिज्म करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करना मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, जिसमें हमारे पास पहला स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हमने इलेक्ट्रोफाइल इसलिए जनरेट करना है क्योंकि हमारे पास जो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। हमने कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का क्या करना है, जनरेट करना है। थर्ड हमारे पास स्टेप है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। हमने प्रोटॉन को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से, सबसे पहले हम करते हैं हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास रिएक्शन क्या है,
कि जब हम बेंजीन रिंग में क्लोरीन ऐड डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड तो हमारे पास क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन और साथ में HCl रिलीज होता है। हाँ जी, इसका अब हम क्या करेंगे मैकेनिज्म। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया, जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हमने इलेक्ट्रोफाइल की क्या करना है, जनरेट करना है। तो हमारे पास क्या है, जो हमें पता है जब क्लोरीन है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल वैसे तो नॉन पोलर है पर जब इसमें इसके हम प्रेजेंस में क्या डालेंगे, फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड क्या हमारे पास लुईस एसिड है, तो इसकी प्रेजेंस में ये जो क्लोरीन है वो क्या बन जाता है, डाइपोलर बन जाता है। इसके ऊपर क्या जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाता है, जो क्लोरीन है वो अलग हो जाती है और एक हमारे पास बनता है FeCl4-। ठीक है, अब हमारे पास ये जो E पॉजिटिव है ये हमारे पास किसका काम कर रही है, इलेक्ट्रोफाइल का क्या कर रही है, काम कर रही है, इलेक्ट्रोफाइल का क्या कर रही है, काम कर रही है। अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हमारे पास देखो जो बेंजीन रिंग है, हमें पता है बेंजीन रिंग के 6 इलेक्ट्रॉन है, जब इस इलेक्ट्रोफाइल पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे, तो हमारे ये वाले कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, यहां पे हाइड्रोजन भी लगेगी और यहां पे क्या लग गया, ये भी लग गया, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन पे क्या हो जाते हैं, शिफ्ट, और ये अंडरगो जाता है रेजोनेंस। अब यहां पे जो कार्बन है, यहां पे ई, अब यहां पे इस वाले कार्बन पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे क्या गया, पाई इलेक्ट्रॉन। यही वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव चार्ज के को कम करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन पे क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, और इससे हमारे पास नेक्स्ट कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन यहां और यहां पहुंच गया। अगर हम इन तीनों स्ट्रक्चर्स को मिलाएं तो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां से पहले यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, तो यहां पे हो जाता है। इट मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां से शुरू होके यहां तक जाता है और इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इसे हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब थर्ड स्टेप हमारे पास है रिमूवल ऑफ प्रोटोन। तो इसमें क्या कि हमारे पास जो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, यहाँ पे H है, यहाँ पे E है। सबसे पहले हमने स्टेप में क्या निकाला था, FeCl4-, ये वाला FeCl4-, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा और ये जो हाइड्रोजन है इस रिंग को अपने क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या आ जाएगा, जो रिंग है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इस रिंग की जो इलेक्ट्रॉन वो है वो क्या कंप्लीट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या, क्लोरीन लग गया और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, HCl और साथ में फेरिक क्लोराइड बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करना है थर्ड एंड सेकंड, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है, जैसे पहला स्टेप है मैं इसमें नाइट्रेशन और बेंजीन किया कि हमारे पास जो बेंजीन रिंग है अगर हम उसमें क्या डालते हैं, नाइट्रिक एसिड डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो नाइट्रो ग्रुप है वो बेंजीन रिंग पे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है और हमारे पास जो हमारा कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड वो वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला जो स्टेप है वो क्या, जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रोफाइल की क्या करना है, जनरेशन। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या, देखो हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, उसको हम इस तरह लिखते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ खींचे जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे रहते हैं H पॉजिटिव और HSO4-। ये हमारे पास ये जो H पॉजिटिव है ये क्या करता है कि हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड है, हमारे पास ये जो नाइट्रिक एसिड है
हाँ जी, इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये जो एच पॉजिटिव आया है, ये हमारे जो नाइट्रिक एसिड है उसके उसमें क्या करता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एच पॉजिटिव पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं और हमारे पास बन जाता है एच ओ पॉजिटिव एच एन डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर जब नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है इट बिकम अनस्टेबल और यहाँ से ये जो वाटर की फॉर्म में क्या बाहर निकल जाते हैं और हम जब ये निकलेगा तो ऑक्सीजन के नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो ग्रुप। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये हमारा किसका काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो क्या है, हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनना है। तो इसमें हमारे पास वैसा ही है जैसे हमने हैलोजिनेशन में किया था, हमारे पास जो बेंजीनिंग है, जब हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा NO2 पॉजिटिव ये अटैक करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेंगे तो हमारे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एक हमारे पास NO2 ग्रुप लगा, एक हमारे पास H पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है और हमारे पास आ जाता है ये वाला ग्रुप, यहाँ पे हमारे पास आ गया H NO2, यहाँ पे आ गया यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया। अब इसके पाई इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है, यहाँ पे हमारे पास H NO2, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अगर हम तीनों को इकट्ठा कर दें तो हमारे पास बन जाता है ये पूरी रिंग के ऊपर हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और हमारे पास लग जाता है H NO2। थर्ड हमारा जो स्टेप है वो है रिमूवल ऑफ प्रोटोन, रिमूवल ऑफ प्रोटोन। तो इसमें हमारे पास क्या है कि जो रिंग है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है H और NO2 ये आपस में, इसमें हमारे पास पहले स्टेप में क्या था HSO4 नेगेटिव, ये इस पे अटैक करेगा, ये रिंग अप इलेक्ट्रॉन अपने रिंग को देगा, यहां से हमारा जो नाइट्रो कंपाउंड है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, जो नाइट्रेशन और बेंजीन कर सकते हैं।